हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो एचसीएफ वो होता है इट्स अ गिवन इट्स अ हाईएस्ट नंबर जो गिवन नंबर को विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर एग्जैक्टली डिवाइड करता है। तो वो होता है एचसीएफ, नाम से शो है हाईएस्ट, मींस एक हाईएस्ट नंबर होता है। सो अब नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड इट्स एचसीएफ। सो एचसीएफ फाइंड करने के लिए वी हैव टू मेथड्स, फर्स्ट वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन एंड सेकेंड वन इज डिविजन मेथड। सो फर्स्टली वी विल लर्न हाउ टू फाइंड HCF विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो हियर वी हैव 136, 179, 255। सो वी विल फाइंड इट्स HCF। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल फैक्टराइज ऑल थ्री दीज नंबर्स, हमें इनको इंडिविजुअली फैक्टराइज करना है। दिस इज 136, 170, देन 255। सो फर्स्टली वी विल सॉल्व 136। Then, so it's a common even number. So 2 6s are 12, 1 3 are 2 8s are 16. Then 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 14 हो गए, 2 7s are अब 17 जो है वो किसी भी टेबल में नहीं आता है। So we can divide 17 only from 17. 17 1s are 17. तो ये हमने 36 के फैक्टराइज कर दिया है और ये है इसके फैक्टर्स। वन मोर थिंग, बिकॉज इसका नाम क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हम जिन भी नंबर्स यहाँ पे डिवाइड करते हैं वो सभी क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स। और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी और टेबल से डिवाइड नहीं होते, वो सिर्फ खुद से ही या वन से डिवाइड होते हैं। तो 2 और 17 बोथ आर प्राइम नंबर्स। नाउ 170, सो इट्स यहाँ पे क्या है, वंस इज वंस प्लेस इज 0, सो इट इज ऑल्सो इवन नंबर। नाउ डिवाइडेड विद 2, 2 8s are 16, then हमें 2 10, 2 5s are 10, then अब ये हो गया है odd number, तो ये 2 से divide नहीं होगा, 3 से होगा क्या, no 3 से भी नहीं होगा। Now we will divide it with the help of 5, 5 1s are 5, then 3 35, 5 7s are 35, again 17, अब 17 जो है वो सिर्फ 17 से ही divide होगा, 17 1s are 17, तो हमने इसे भी divide कर दिया, then 255, डिवाइड होगा नहीं, बिकॉज ये क्या है ऑड नंबर है, तो हम इसे 5 से होगा, नो 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये डायरेक्टली होगा पहले, ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 1s are 3, 3 8s are 24, क्या आया, 3 8s are 24, 1 बचा 15, 3 5s are 15, अगेन अब हम इसे किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड होगा या ये नहीं, हम इसे डिवाइड करेंगे 5 से, 5 3s are 35, 1s are 5, 5 7s are 35, then 17 1s are 17. तो हमने इन तीनों को ही अलग अलग इंडिविजुअली फैक्टराइज कर लिया। अब हम इसका फाइंड करेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, 36 के फैक्टर्स क्या है, 2 2 into 2 into 7, देन किसका 170 कितना है, 2 into 5 into 7, देन 255 के फैक्टर्स क्या आ गए, 3 into 5 into 17। तो अब हम देखेंगे कि इन तीनों में कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से, 2 इसमें सब में नहीं है, 5 में नहीं है, ओनली 17 इज द कॉमन प्राइम फैक्टर इन ऑल थ्री नंबर्स। सो आर एचसीएफ हो गया 17। तो हमने देखा कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ को फाइंड किया है। अब सेकंड वन इज डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, हमारे पास है 136, 170 एंड 255। तो इसमें जो स्मॉलर नंबर है उसे हम ग्रेटेस्ट नंबर में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्टली वी विल टेक ओनली 2 नंबर्स, सो डिवाइड 136, डिवाइड 170 विद 136। सो 36 1s are 36, then minus 4 3। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर आया है उससे वापस हमारे जो डिवाइडर है सॉरी उस पर डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 136। अब 34 से डिवाइड करेगा क्या, 34 4s are 136, 4 4 16, 4 3 12 1 30, तो ये आ गया
ज्यादा हो जाएगा तो हम इसको लेंगे 34 7 जा 34 7 से कितना होगा 7 4 जा 18 7 से 21 21 प्लस 2 23 तो माइनस करेंगे 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा 15 माइनस 8 होगा 7 देन यहां पे कितना रहेगा रिमेनिंग 4 4 माइनस 3 1 देन 2 माइनस 2 0 तब हमारा यहां पे कितना रहेगा 7 हम अगेन इस रिमाइंडर से जो हमारा डिवाइडर था उस पे डिवाइड करेंगे तो 37 2 जा 34 सो एज यू कैन सी आवर लास्ट डिवाइडर इज 70 तो जो हमारा लास्ट डिवाइडर बचता है वही क्या होता है हमारा एचसीएल तो अगेन आवर एचसीएल इज 70 सो बाय बोथ दिस मेथड्स आवर एचसीएल इज इक्वल सो बोथ दिस मेथड्स आर करेक्ट टू फाइंड एचसीएल थैंक यू